हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको चार नए मेल के बंडल्स दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं और बहुत ही जल्द हमें गेम के अंदर दिखने वाले हैं। और बहुत से सर्वर में तो यार वो शायद आज से ही अवेलेबल होने लग जाएंगे, मतलब एक एक करके वो बंडल्स आएंगे। तो यार बहुत ही अच्छे बंडल्स है, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो गाइस, चार नए बंडल हमें देखने को मिलने वाले हैं और वो चारों इंस्पायर्ड है एक, मतलब चार सिंगर्स से जो कि थाईलैंड के सिंगर्स हैं, रैप सिंगर्स हैं, रैप सॉन्ग्स गाते हैं। जैसे कि डीजे आलोक आया था, डीजे आलोक इंस्पायर्ड है ब्राज़ील के डीजे से, उसका नाम भी आलोक है, तो उससे इंस्पायर्ड होकर ये करेक्टर इंट्रोड्यूस करा था गरीना ने। सेम वैसे ही अब थाईलैंड की एक टीम है जिसका नाम है फैक्ट फोर, उससे गरीना का टाइप हुआ है, गरीना के नए पार्टनर्स है अब वो। तो उन लोगों के ऊपर, मतलब डेडिकेट करते हुए, उन लोगों को डेडिकेट करते हुए गरीना ने चार नए बंडल्स लॉन्च करे हैं, जो कि गेम में हमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं और डेफिनेटली मिलेंगे यार, क्योंकि कुछ सर्वर्स में तो आज से अवेलेबल होने लग जाएंगे, बट इंडियन सर्वर्स थोड़ा सा लेट हो ही जाता है इन चीज़ों में। तो कोई बात नहीं, हमें भी जल्दी देखने को मिलेंगे। तो क्या, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ, ट्रेलर देखो, उसके बाद हम बंडल्स की बात करेंगे। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? बहुत ही शानदार बंडल्स थे ना। पर्सनली मुझे भी बंडल्स पसंद है, मतलब तीन तो डेफिनेटली पसंद है, वो तीन कौन से मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। तो यार ये बंडल्स हमें जल्दी गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली है कि दो तीन बंडल तो यार इसमें से स्पेशल इवेंट में आएंगे अपने, जिसमें डायमंड लपा के खर्च करना पड़ेगा। बट माइट पॉसिबल है कि शायद एक आधा कोई बंडल हमें कोई स्पेशल रॉयल में या फिर हमारा डायमंड रॉयल टाइप में किसी में देखने को मिल जाए, गारंटी नहीं है गाइस, बट लेट्स सी क्या करता है गरीना इंडियन सर्वर में, अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। बट यार बंडल्स में आपको दिखा देता हूँ कि बंडल्स कौन कौन से आने वाले हैं। तो सबसे पहले उस बंडल की बात करते हैं जो अभी दूसरे सर्वर्स में अवेलेबल हो चुका है। तो गाइस ये है वो बंडल जो दूसरे सर्वर में अवेलेबल हो गया है। तो देख सकते हो ये मतलब मेरा लीस्ट फेवरेट बंडल है, मतलब मुझे सबसे कम अच्छा लगा बंडल। तो फिर भी बात करी जाए तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, देख सकते हो आप लोग, हैट वगैरह बहुत अच्छी है। ओवरऑल बंडल पीछे बुया लिखा हुआ है, तो ओवरऑल बंडल मुझे ठीक ठाक लगा, ज़्यादा बुरा नहीं है, बुरा नहीं बोलूँगा, बट ठीक ठाक बंडल है। बट थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहिए था वाव इफेक्ट पर, इसमें वही वाव इफेक्ट की कमी है। बट कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यार अगर आप लोगों को बंडल पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस अब हम चलते हैं सेकंड बंडल की तरफ, जो कि हाँ वो मुझे पसंद है, बाकी तो तीनों बंडल मुझे इक्वली पसंद है। तो चलिए चलते हैं हम हमारे सेकंड बंडल की तरफ। तो ये होने वाला गाइस हमारा सेकंड बंडल, देख सकते हैं आप लोग, ये भी कितना सही है, मुझे इसका जैकेट बहुत अच्छा लगा, जो इतना लॉन्ग जैकेट दिया हुआ है यार, कलर कॉम्बिनेशन ऑसम है, हेयर स्टाइल भी बहुत ही अच्छी है, कोई कमी नहीं है हेयर स्टाइल में भी। मुझे पर्सनली ये बंडल बहुत ही अच्छा लगा, देख सकते हो आप लोग हेयर स्टाइल वगैरह, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये बंडल भी हमें हो सकता है किसी वेब इवेंट में ही देखने को मिले। वैसे यार डेफिनेटली ये सब चीज़ें ना गरीना किसी वेब इवेंट में ही देगा, क्योंकि यार उसको डायमंड चाहिए ना यार, ऑब्वियसली बात है। तो ये था हमारा सेकंड बंडल, अब हम चलते हैं हमारा थर्ड बंडल की तरफ। तो थर्ड बंडल भी बिल्कुल ऑसम है यार, एकदम कोई कमी नहीं है। बट थर्ड बंडल में जाने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया ना, तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ लाइक जरूर कर देना इस वीडियो के यार, क्योंकि आपके लिए यार मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं और सारी अपडेट्स एंड लीक्स में लाते रहता हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बंडल की तरफ। तो गाइस ये होने वाला है हमारा थर्ड बंडल, मतलब ये जो चार बंडल में से तीसरा बंडल ये होने वाला है। और देख सकते हो आप लोग, ये भी बहुत ही ऑसम लग रहा है, पीछे टाइगर प्रिंट का जो ये जो भी बोलते हैं इसको फर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और लिटरली गेम के अंदर भी बहुत अच्छा लगने वाला है ये बंडल्स, जिस हिसाब से दिख रहा है इसमें भी, वीडियो में भी। हैट ज़्यादा पसंद नहीं, बाकी यार जो टाइगर फर वाला टॉप है ना, क्या ऑसम टॉप है यार, ये मुझे बहुत पसंद आया। बाकी बॉटम की बात करें तो बॉटम सिंपल ही रखा गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब जो मेन इसका जो कलाकारी की गई है ना, वो इसके टॉप में ही है। तो आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना मत भूलना कि आपका इन चारों में से फेवरेट कौन है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट बंडल पे, और गाइस वो भी बहुत ही ऑसम है। तो ये है गाइस हमारा लास्ट बंडल, देख सकते हैं आप लोग, एकदम ब्लू हेयर स्टाइल है,
पिंक फर वाला बैक है, टॉप है, मतलब कितना ऑसम लग रहा है। और चश्मा तो क्या बोलूँ यार, चश्मा मुझे पर्सनली अच्छा लगा इस बंडल का। आप लोगों को पसंद आया नहीं है मुझे नहीं पता, पर चश्मा मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बाकी कलर कॉम्बिनेशन का इसमें एक भी प्रॉब्लम है कि यार इस बंडल से ना आप लोग छुपोगे तो थोड़ा दिख जाते हैं, इतना तड़कता भड़कता कलर रहता है ना, तो उस वजह से स्पॉट हो जाता है। बट स्टिल यार बंडल की बात करो ओवरऑल तो बंडल बहुत ही ऑसम है, मुझे कोई कमी नहीं लगी बंडल में। मुझे बॉटम भी इसका अच्छा लगा, बॉटम मुझे है ना गेमर स्टॉप गेमर वाले बंडल जैसा मिलता जुलता लग रहा है वैसे, बट फिर भी अच्छा है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टॉप तो यार अच्छा है ही सही यार, ये पिंक वाला फर मुझे बहुत पसंद आया। तो ये था गाइस हमारे चार बंडल। मुझे पर्सनली बोलूँ तो टाइगर प्रिंट वाला जो बंडल ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बंडल वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको एक फ़ोटो वगैरह भी दिखा देता हूँ सबके बैग से, एक साथ चारों आप कंपेयर कर पाओगे। तो यार ये बंडल हमें जल्दी गेम के अंदर दिखने को मिलने वाले हैं, और सच्ची बोलूँ तो यार बड़े ही ऑसम बंडल होने वाले हैं ये, क्योंकि यार मैंने पहले ही बोल दिया था यार आप लोगों को कि बंडल्स आने वाले हैं इस बार OB22 अपडेट्स में, अच्छे अच्छे बंडल्स गेम में आएंगे। तो यार डायमंड्स बचा के रखना, क्योंकि ऑब्वियसली यार बहुत टाइम से गरीना कोई ढंग के बंडल्स नहीं निकाले थे एक दो बार को छोड़ के, तो अब जाके गरीना थोड़े से और अच्छे बंडल्स जो रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक बंडल्स जैसे देने लग गया है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं तक ही गया, बट गाइस एक और चीज़ है कि सुपर सेल को लेकर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है पर अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में मेरे को बताना कि हाँ आप देखना चाहते हो। अगर आप जब कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको सुपर सेल को लेकर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं आएगी वो आएगी या नहीं आएगी, बट जो भी हो सकेगा मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो यार वीडियो को यहीं रैपअप करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट बंडल कौन सा है। सो गाइस बाय बाय। Cooking the hot box, cooking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot.